नमस्ते, मेरा नाम कुणाल है और मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे फाउंडेशन की तरफ से एक प्यार भरा, मेहनत भरा और दो साल के सपने और उम्मीदों से भरी हुई एक छोटी सी फेस्टिवल हो रही है जिसका नाम है रिवर्स ऑफ लाइफ। और हम सब के तरफ से आपको इस फंक्शन और इस फेस्टिवल पे हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ये एक दो साल की यात्रा रही है हम सब के लिए और हम सब ने, कई लोगों ने भारत के कई कोनों से सब ने अपने दिल जान दे के हम पे न्यौछावर किया है। कई लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, कई लोगों ने हमें बहुत नई नई बातें सिखाई हैं। और इस यात्रा में हमने तो सीखा, बट हमने ये भी सीखा कि नदियों को बचाना और नदियों के बारे में सोचना ये उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी आम जिंदगी जीना। और हम ये गलती कर देते हैं, हम ये कभी सोचते नहीं कि हमारी पानी, हमारा ज़िंदगी कैसे चलता है। और अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो हमारी पूरी ज़िंदगी कुछ दो या तीन बेसिक एलिमेंट से चलती हैं, उनमें से एक पानी ज़रूर है और ये पानी हमारी नदियों से आती है। तो हमारी तो आपसे सबसे विनती है कि आप आए हमारे इस प्यारे से छोटे से फेस्टिवल पे। वो 15 दिन हैं हमारे यहाँ, 2 से 16। कई लोग आएंगे भारत के, नर्मदा आंदोलन से कई संगीतकार आएंगे, बाउल आएंगे बंगाल से, भटियाली आएंगे जो कूच बिहार एरिया से हैं, जो कि नदियों में ही रहते हैं, नदियों के बारे में गीत गाते हैं। कई स्पीकर्स आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नौछावर की है नदियों की सेफ्टी के लिए। टीचर्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि अपनी एक अकेला लड़ाई जो उन्होंने लड़ा है पिछले 30 साल वो सुनाएंगे। कई बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने में हमारे लिए और हम सबके साथ भारत के हर कोने के और लगभग 156 नदियों को कवर किया है ऐसी तरह से जो मुझे नहीं लगता पहले इस तरीके से सोचा गया होगा। ये एक मेहनत और एक यात्रा था और अब यात्रा का आखिरी पड़ाव है। तो हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ जुड़े और हमारे इस यात्रा में आप भी शामिल हो। लेट्स एंजॉय द फेस्टिवल रिवर्स ऑफ लाइफ, बिकॉज कहते हैं कि सब कनेक्टेड है। तो अगर सब जुड़ा हुआ है तो नदियाँ तो हमसे जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप भी आ जाओगे तो हम सब जुड़ जाएंगे।